इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन। कोरोना नेगेटिव होने के बाद के कॉम्प्लिकेशंस का चल रहा था इलाज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी अंतिम सांस ली। कुछ दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल सिंह की 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मिल्खा सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करेंगे। उनकी तमन्ना थी कि ओलंपिक के एथलीट में भारत गोल्ड मेडल लेकर आए। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति। ट्विटर पर देश भर से उनके निधन पर लगा शोक जता रहे लोग शोक जता रहे और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट थे, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीते थे। देश में कोरोना के नए केस की संख्या में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 60,739 संक्रमित, 1,645 की जान गई। देश को चौथा टीका मिलने की उम्मीद। जाइडस कैडिला अगले सप्ताह कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मांग सकती है। ये दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन होगी। देश में अब तक 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की सलाह। कहा अनलॉक 1 की गलती ना दोहराएं, अनलॉक 2 में कोरोना नियमों का पालन करें। देश में 22 करोड़ से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। 5 करोड़ से अधिक लोगों को लगी दूसरी डोज। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। टीका ले चुके लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना करीब 80% कम हो जाती है। वीके पॉल ने कहा 18 से कम या ज्यादा उम्र के लोगों में सेप्रो पॉजिटिविटी रेट लगभग बराबर है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 165 लोग संक्रमित, 14 लोगों की मौत। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का ऐलान, पैंडेमिक रहने तक प्रॉपर्टी टैक्स में नहीं लगेगी वृद्धि। मेयर ने कहा मुंबई करों पर नहीं डालेंगे बोझ। तमिलनाडु में कोरोना के 8,633 नए केस। बीते 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा ठीक हुए। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर गंगा स्नान रद्द। 20 और 21 जून को स्नान की अनुमति नहीं। 24 जून को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। संसदीय समिति की बैठक में शामिल हुए ट्विटर के प्रतिनिधि। ट्विटर से भारत के कानूनों का पालन करने को कहा। संसदीय समिति की ट्विटर को दो टूक। भारत में आपकी नीति नहीं, भारतीय कानून का शासन होगा। संसदीय समिति ने ट्विटर से पूछा, कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आप पर क्यों न लगाया जाए जुर्माना। ट्विटर ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के अधिकारों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए समिति के साथ काम करने के लिए तैयार। शुक्रवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा किया और कई प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। शहर में जलभराव को लेकर जल निगम के चीफ इंजीनियर को चेतावनी दी। रोहिंग्याओं को भारत भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। मानव तस्करी के साथ अवैध दस्तावेज बनाता था गिरोह। उत्तराखंड में बादल फटने से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे के इलाके के लोगों को किया गया अलर्ट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर बारिश की मार। दूसरे दिन का खेल भारतीय समय के अनुसार 2:30 बजे से पहले दिन का खेल रद्द। अब भी 5 ही दिन का होगा खेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।